हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी हड्डियों में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे कैसे पहचाने, उसका एक्सरे रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। अगर आपके फैमिली मेंबर में या आपके पेशेंट एक्सरे लेके आते हैं और हड्डी में फ्रैक्चर है, कहीं भी हड्डी में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसे हम कैसे रीड करते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये हमारे पास एक वोन है जिसे हम हड्डी हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्ना हड्डी के बारे में हम समझने वाले हैं। अल्ना वोन है ये हमारे पास, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास हड्डी है ये अल्ना है। अब अल्ना हड्डी के बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा, ये हड्डी अल्ना है और ये छोटी उंगली के साइड में रहती है, हमारे हाथ की जो छोटी उंगली होती है उसके साथ में रहती है और ये ओलिक्रेनोन प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं और ये एंटीरियर व्यू है, तो अगर आगे से हम इस हड्डी को देखेंगे तो ऐसी दिखेगी और अगर हम साइड से इस हड्डी को देखेंगे यानी लेटरल व्यू देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा ओलिक्रेन प्रोसेस आपको यहाँ कैसा दिख रहा है और यहाँ पर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा अंतर है। ये कोरोकॉइड प्रोसेस है जहाँ पर हमारी रेडियस हड्डी जो है वो पास में से निकलती है और ह्यूमरस का जो लोअर एंड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में समझिए, ये बाइसेप्स मसल है। आप कहते हैं कि बाइसेप्स मसल कहाँ होता है, तो ये बाइसेप्स मसल है हमारी कोहनी के ऊपर और कंधे का जो जॉइंट है उसके नीचे जो हमारी मसल्स होती है वहाँ पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, राइट। तो बाइसेप्स मसल्स में ही इंजेक्शन लगाया जाता है कई बार और कई बार डेल्टॉइड मसल्स में भी इंजेक्शन लगाया जाता है। ये हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस यानी कि जो कंधे से एल्बो तक जो हड्डी आई है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और ये जो पीली पीली आप देख रहे हैं, ये पीली पीली जो एक नस गई है इसे हम बोलते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आपका जो एल्बो है, जो आपकी कोहनी है, वो किसी दीवार से गेट से कभी टकरा जाए तो आपको बहुत तेज़ करंट सा लगता है, वो इसी नर्व की वजह से लगता है क्योंकि ये जो नर्व है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नर्व होती है, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट। तो अल्नर नर्व इसे कहते हैं और ये होता है हमारा बाइसेप्स टेंडन। बाइसेप्स टेंडन यानी कि देखिए जो हमारी रेडियस जो हमारी हड्डी है उससे बाइसेप्स का टेंडन कनेक्ट है। अगर बाइसेप्स का टेंडन इससे कनेक्ट नहीं होगा तो ये मसल्स क्या होगी, लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, ये मसल्स यहाँ पर टिक नहीं पाएगी और हड्डी को भी हम सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये टेंडन जो होता है ये हड्डी से स्टार्ट होता है और मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के, राइट। तो अब यहाँ पर एक्सरे को समझिएगा कि एक्सरे को हम कैसे समझते हैं, एक्सरे को कैसे रीड किया जाता है। तो एक्सरे को समझने के लिए ये देखेंगे आप, ये जो हमारा बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ये स्किन का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये स्किन का बॉर्डर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे आप बिल्कुल प्लेन है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। हड्डी देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये हड्डी भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, इसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल वोन है, नॉर्मल हड्डी है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके अंदर कोई अगर फ्रैक्चर आता है तो आपको क्या दिक्कत होगी। अगर कोई फ्रैक्चर जैसे हड्डी में आए तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ये समझने वाली बात है। तो देखिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो हड्डी हमारी है अगर फ्रैक्चर होगी तो ये या तो इधर जाएगी या ये हो सकता है इधर नीचे से इधर जाए या हो सकता है इधर को भागे, क्योंकि टूट जाएगी, फ्रैक्चर यानी टूटना, तो ये हड्डी इधर जाएगी इधर भागेगी या कट लग जाएगा हड्डी में या हड्डी टूटकर इधर भाग जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे क्रैक ज़रूर आएगा अगर फ्रैक्चर होगी। अब दूसरा एक्सरे देखिएगा कि ये जो बॉर्डर है ये हल्का सा स्वेलिंग सा टाइप का लग रहा है, देखो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर है, ये यहाँ का नॉर्मल है और यहाँ का आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बाहर है, देखिए अब, ठीक है। तो ये ज़्यादा फ्रैक्चर जो ज़्यादा स्वेलिंग है यहाँ पर, ठीक है, यानी जो हमारी कोहनी है वो लटक रही है, मसल से लटक रही है स्वेलिंग की वजह से। अब इसमें फ्रैक्चर कहाँ पर है आप देखेंगे, ये जो कॉमन फ्रैक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये फ्रैक्चर है, ये जो चीज़ है ये फ्रैक्चर है। कैसे पहचाना, क्योंकि ये जो हड्डी है हम साइड से देख रहे हैं, ये हड्डी जो है ये इससे प्लेन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये लेकिन देखिए बाहर निकल रही है, यानी कि ये फ्रैक्चर है। इसका नोच देखिए ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका अदर व्यूज़ लें तो पॉजिटिव व्यूज़ में भी आपको ये थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हम लेटरल साइड से देख रहे हैं इसलिए हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो हड्डी फ्रैक्चर है इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या हम इसका इलाज करा सकते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये जो हड्डी है हमारी
इसके लिए ऑपरेशन सर्जरी कराना एक छोटी सी सर्जरी होती है, जिसमें क्या होता है इसमें एक वायर लगा देते हैं इसमें और स्क्रू लगा देते हैं और इस हड्डी को वहीं की वहीं सेट कर देते हैं, तो इसलिए ये ईजिली हो जाता है और इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पेशेंट को ध्यान रखना होगा, उसे हाथ नहीं हिलाना है बिल्कुल भी, अगर हाथ हिलाएगा तो उसकी अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है, उस मरीज़ का हाथ पैरालिसिस हो सकता है, उस मरीज़ का हाथ बिल्कुल भी आगे काम नहीं करेगा, ऐसी दिक्कत भी मरीज़ को कई बार आ जाती है। तो फ्रैक्चर पहचानना बहुत आसान है, देखिए अगर यहाँ पर फ्रैक्चर होता तो ये क्रैक होता या ये हड्डी इधर की तरफ भाग जाती, ऐसे ऐसे हो जाती या ये ऐसे हो जाती, राइट, या फिर ये नीचे की हड्डी फ्रैक्चर होती तो ये ऐसे सीधी हो जाती है ना। तो इस तरीके से फ्रैक्चर को हम समझते हैं, इस तरीके से फ्रैक्चर्स को देखा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो से आप फ्रैक्चर देखना समझ गए होंगे, फ्रैक्चर को कैसे देखा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।